कोटा के रावण के हैं मुस्लिम भक्त जो पेश करते हैं कौमी एकता की मिसाल। राजस्थान के कोटा जिले में सबसे खास होता है कोटा का दशहरा और इसे खास बनाता है यहां बनने वाला विशालकाय रावण। इस रावण को बना रहे हैं 25 मुस्लिम समुदाय के लोग जो दे रहे हैं संदेश गंगा जमुनी तहजीब में प्यार की रवानी भरने का। दिल्ली के एक छोटे से गांव का मुस्लिम समुदाय का यह परिवार कई वर्षों से कोटा के रावण को बनाने का काम कर रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी बनाते आ रहे हैं यह परिवार रावण के पुतले। इस बार कोटा के रावण को बना रही है तीसरी पीढ़ी, 70 वर्षों से बनाते आ रहा है यह परिवार रावण मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों को। कोटा में इस बार 75 फुट का रावण का पुतला बना रहे हैं और 55 फुट के मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले यहाँ बनेंगे। यहाँ बने हुए रावण की एक खास विशेषता होती है, यहाँ का रावण जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसता है, सर हिलाता है, तलवार चलाता है। विजयदशमी के दिन बुराई रूपी दशानंद का होगा अंत, बुराई पर अच्छाई की होगी जीत। अनीस अहमद नाम है मेरा और एक महीने का तकरीबन समय लग जाता है। यहाँ पर जो हम लोग काम करने आ रहे हैं 2019 में आए थे, उसके बाद फिर कोविड का समय हो गया था तो 20 में और 21 में काम नहीं हुआ था, दशहरा नहीं मनाया था। उसके बाद 22 में आए फिर हम लोग, अब 23 में आए। 22 में हमने बनाया था 81 फुट का ऑर्डर, हमें होता है 75 फुट का, 75 प्लस 81 फुट का जब बना था और अब इसको तैयार करके 75 फुट का हमें ऑर्डर है, उसके बाद देखते हैं जितना भी होता है। सबसे बड़ा कहाँ पे बनाया जाता है रावण? सबसे बड़ा रावण होता ही कोटा के अंदर है, इससे बड़ा कहीं रावण नहीं होता, राजस्थान में होता है, इससे बड़ा रावण नहीं होता एक से एक फुट का। अगर कहीं होता भी है जैसे जयपुर वगैरह में बताते हैं वहाँ 200 कुछ फुट का होता है, लेकिन वो स्ट्रक्चर पे होता है, जो बांस बल्ली का बनता है रियल का वो यही बनता है, कोटा से बड़ा कहीं रावण नहीं बनता। इसमें स्टार्टिंग में बांस से शुरू होता है जी, बांस होता है इसमें, उसके बाद मैदा एक होती है जिसकी लेवी बनती है वो भी लग जाती है, 200-250 किलो लग जाती है तकरीबन। इसके सजावट के लिए क्या क्या लगाते हैं? सजावट के लिए दिल्ली से बड़े अच्छे अच्छे रंग लेके आते हैं जिसको फ्लोरोसेंट बोलते हैं, जिसको हम वाटर प्रूफ भी बोल सकते हैं, पानी भी कोई असर नहीं करता, और ढूंढ के लाते हैं एक अच्छे से अच्छा हम लोगों को रावण बना के दे सकते हैं। यहाँ पे रावण जब खड़ा होता है उसकी क्या विशेषता रहती है? यहाँ पर जो रावण खड़ा होता है उसमें बहुत सारी विशेषताएँ हैं, जैसे तलवार चलाता है रावण, पलके चलाएगा, गर्दन भी घूमेगी, मुँह भी चलाएगा। अगर कहें आप ये एक गंगा जमुना तहजीब ही है, आप रावण बना रहे हैं, हिंदुओं का पवित्र त्यौहार होता है ये? हिंदुओं का पवित्र त्यौहार होता है, बहुत बड़ा त्यौहार होता है, और हम मुस्लिम समुदाय से आते हैं, तकरीबन 90% लोग जो हैं रावण जो बनाते हैं मुस्लिम समुदाय से ही बनाते हैं, इसको हम गंगा जमुना तहजीब भी कह सकते हैं। और उसके बाद रावण बन के जब खड़ा हो जाता है और दुनिया देखती है, लाखों की भीड़ देखती है, तो हमें लगता है कि हम आज के हीरो हैं। रावण को जो देख रहे हैं, आई है पब्लिक इतने, रावण को देख रहे हैं लोग, हमें भी देख रहे हैं, हमारी कला को देख रहे हैं, जो हमारी एक महीने की मेहनत होती है, रात दिन लग के मेहनत करते हैं, वो हमारी जैसे रावण खड़ा हो जाता है पब्लिक देखते हमारी थकान दूर हो जाती है। ठीक है, नाम बता दो। अनीस अहमद।